नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप पहले चरण का आईटीआई का रिजल्ट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे आईटीआई एडमिशन का रिजल्ट आप कैसे और कहां से देख सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से अपना पंजीकरण फिर से प्राप्त करना है। अगर आपने पंजीकरण प्राप्त नहीं किया है तो आप कैसे उस प्रिंट को दोबारा से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र में। आपको वहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है आपको scbt.up.in। देन फ्रेंड्स आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका पहला लिंक आपको ओपन कर लेना है, जिसके बाद इसका होम पेज ओपन हो जाता है। अगर फ्रेंड्स इसका होम पेज खोजने में कोई दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम इसके होम पेज पे आए तो हमें यहाँ पे मिल जाता है COVID-19 से बचने के उपाय, जहाँ जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करके इसे जान सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ मिल जाता है, एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे औद्योगिक, जो आपका राजकीय प्रशिक्षण संस्थान है, जहाँ पे आपको राजकीय सरकारी संस्थान है वहाँ का डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। और साथ में निजी और संस्थान की लिस्ट मिल जाती है, और साथ ही नीचे मिल जाता है आवेदन प्रिंट करें। और साथ ही फ्रेंड दिशा निर्देश मिलता है आपको, जहाँ पे प्रथम चरण का एडमिशन तारीख, जो प्रथम चरण का प्रवेश तिथि है, आपको लास्ट डेट है 5/15/9/2021 दिन बुधवार को आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी बुलावा पत्र में अंकित विवरण के अनुसार राजकीय संस्थान में प्रवेश के समय अपग्रेड की प्रक्रिया के भाग लेने के लिए स्थिति अनुसार फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन दे दिया जाता है, जहां से आप अपना ट्रेड को चेंज करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको नीचे मिल जाती है, यहां पे थोड़ा नीचे मिल जाता है फ्रेंड्स, आपको यहां पे कई सारे मोबाइल नंबर और साथ में एक ईमेल आईडी मिल जाता है, जो कि आपकी हेल्पलाइन के उपयोग में काम कर सकते हैं। इससे आप हेल्प की जानकारी हेतु ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कैसे अपने आवेदन पत्र को फिर से प्रिंट करना है, आपको अपने पंजीयन संख्या कैसे प्राप्त करना है। सो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है ऊपर थोड़ा सा, जहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र को फिर से दोबारा से प्रिंट करें। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको मांगते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो आपने आवेदन में मोबाइल नंबर डाला है वह नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सो फ्रेंड्स करते हैं नंबर एंटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर एंटर किया, और देन इसके बाद मिल जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको हाई स्कूल के बेसिस पे या जो फॉर्म में आपने डाला है उस बेसिस पे आपको यहाँ पे नंबर, डेट ऑफ बर्थ का डिटेल आपको डाल देना है और करना है। इसके बाद कैप्चर कोड को एंटर, और इसके बाद कर देना है आपको लॉगिन। देन जैसे ही फ्रेंड्स आप लॉगिन करते हैं, तो हो सकता है कई बार सर्वर डाउन हो, तो इसकी वजह से ये रीलोड मांगता हो, तो आपको सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको प्रिंटआउट जो है अगर नहीं हो खुलता तो आपको रीलोड कर देना। रीलोड करने फ्रेंड्स इस प्रकार का आपका प्रिंटआउट यहाँ पे आ जाता है, जो कि यहाँ पे पंजीकरण संख्या और आवेदन संख्या दोनों आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम मिलता है, यहाँ पे अपना नाम मिल जाता है, और साथ ही फ्रेंड्स इस प्रिंटआउट को आपको फिर से प्रिंट करके रख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स जरूरी है, क्योंकि ये प्रिंटआउट जो है आप प्रवेश लेते समय आपको यह प्रिंटआउट वहाँ जमा करना होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपनी होम पेज पे, जहाँ पे यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है राजकीय के लिए आपको यहाँ क्लिक करें ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकंड ऑप्शन मिल जाता है आपको निजी संस्थान के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका मिल जाता है शॉर्टकट ऑप्शन, अगर फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप जब अगर ये ऑप्शन कट जाता है आपका, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बिलिंग करता हुआ ऑप्शन, जो कि चलता हुआ मिलता है आपको यहाँ पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पर, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जहाँ पे आपको डालना होता है अपना पंजीकरण संख्या। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या एंटर कर दिया है, और इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डाल दिया अपना डेट ऑफ बर्थ, सिंपली कर देना इसे सबमिट। देन फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट करते हैं, तो आपका यहाँ पे बुलावा पत्र जो है, प्रवेश लेने का जो प्रमाण पत्र है आपका, बुलावा पत्र जिसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ये आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे आपका पंजीकरण संख्या और प्रवेश का प्रकार आपका गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे लिखा आ जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपकी जो कैटेगरी है, आपका शिक्षण संस्थान जो है जहाँ पे आपका प्रवेश लेना है फ्रेंड्स, वह आपको दिखा देता है। और जो आपकी रैंकिंग है फ्रेंड्स, आपके फोटो के जस्ट नीचे आपकी रैंकिंग दिखा दी जाती है। और जो या फ्रेंड्स फ्रीज एंड फ्लोट का मतलब होता है कि फ्रेंड्स फ्रीज मतलब अपने ट्रेड को आप स्थिर कर सकते हैं, फ्लोट मतलब अपने ट्रेड को आप बदल सकते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा अपने ट्रेड को आप चेंज कर सकते हैं। या फ्रीज और फ्लोट की दोनों की सुविधा आपको मिल जाती है, चाहे तो आप इसे फ्रीज कर सकते हैं, चाहे तो आप फ्लोट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नीचे मिल जाती है कुछ आवश्यक सूचनाएँ, जहाँ फ्रेंड्स आपको मिल जाता है डेट और प्रवेश दिनांक मिलता है आपको यहाँ पे 10/9/2021 से लेके 15/9/2021 तक का। और फ्रेंड्स यहाँ पे सब डिटेल मिल जाती है आपको, क्या क्या लेके जाने वाला है यहाँ पे, आपको क्या क्या किस प्रमाण पत्र की छाया पड़ती है यहाँ पे लेके जानी है फ्रेंड्स, वो डिटेल मिल जाती है। और देन फ्रेंड्स आपको नीचे मिल जाता है यहाँ पे
फीस के विवरण के विषय में, जहाँ पे आपके कासन मनी और आपका शुल्क जो लगने वाला है पर माह, वो आपको मिल जाता है विवरण यहाँ पे। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे पांचवा नंबर पड़ता है घोषणा पत्र, जो कि आपका कचहरी और आपकी तहसील से बनने वाला है। सो फ्रेंड्स कचहरी और तहसील से आपको सिंपली एक 10 रुपये के नोटरी पेपर पर आपको घोषणा पत्र बनवा लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे 3 पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फोटो आपको अपने साथ रख लेनी है। और साथ ही फ्रेंड्स अपना आवेदन पत्र जो है आपको साथ में लेके जाना है। सो फ्रेंड्स लेट ना करिए, जल्दी जल्दी अपना सब लोग एडमिशन करवा ले, क्योंकि फ्रेंड्स जो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी लास्ट डेट 15 तारीख ही है। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही फ्रेंड्स अगर इस विषय में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल जवाब है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। और डायरेक्टली हमसे बात करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को बने रहने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।